आज बहुत देर हो गई। आज तो तुम्हारा वो था ना, वो लॉन्च था किसी चीज का, क्या था वो? अरे नया ऐप लॉन्च कर रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजर थी ना। अरे बताना पार्टी कैसी थी? सुपर पार्टी थी। पता है वो सैमुअल है ना, एक नंबर का पागल है। मुझे क्या था, मयूरी डोंट वरी आई विल ड्रॉप यू। आपको पता है खुद ही आउट हो गया। मुझे उसको घर जाके ड्रॉप करना पड़ा। एनीवे एक न्यूज है, पहले मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी ना, अब मैं हेड ऑफ मार्केटिंग बन गई। Congratulations. Thank you. इस बात पे तो मीठा बनता है। बिल्कुल। आप नहीं लेंगे ना? पता है डैड, वो पार्टी में ना सीईओ आया हुआ था। And guess what he said? कहता मयूरी, you are doing superb for your age. Just imagine my CEO. For your age, you should get married. You are right. 31 की हो गई हो, और अब तो marketing head भी हो। बॉयफ्रेंड हो तो बता दो, हम शादी करवा देते हैं तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब पूछताछ करके शादी करवा देंगे। चिल मॉम, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर होता भी ना तो मुझे मिलने के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना होता। सीरियसली मेरे पास टाइम कहाँ है, कहाँ है फुर्सत मेरे पास? ये वीकेंड्स, ये ऑफ, ये सब मिथ होती है और कुछ नहीं। आपने देखा है ना बॉस कैसे मुझे ईमेल्स भी मिल गए, देखो यहाँ पे एक और ईमेल आ गया। ऐसे वीकेंड्स चले जाते हैं। हमने एक लड़का देखा तुम्हारे लिए। हमने? हमने? देखने में अच्छा है, अच्छा लड़का है, एक बार मिलने में क्या बुराई है? Dad, please, ये अरेंज मैरिज मेरे पल्ले नहीं पड़ती। क्या फोटो देखो, सवाल पूछो, लड़का सेटल्ड है, कमाता है, इट्स अबाउट माय लाइफ यार माँ। पर मुझे एक बात बताओ, एक एक कॉफी पे जाने से, डिनर पे जाने से कैसे पता चलेगा कि ये लड़का अच्छा है? मुझे दिखाओ। अरे ये भी कोई फोटो है, इसमें तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि लड़के का पेट आगे है कि नहीं। ये क्या बात है भाई, थोड़ा सा पेट आगे है, खाते पीते घर का है? घर पे रहेगा तब ना, मैंने वो टम्बलर पे चेक किया था, पिछले महीने भी न्यूयॉर्क में था, फिर उससे 6 महीने पहले वो लंदन में था। मुझे लगा शायद काम के सिलसिले में चले गए होंगे, लेकिन नहीं, भाई साहब को तो घूमने फिरने का शौक। आपको कैसे पता चला ये सब? वो कैप्शंस पे लिखा था कि सेलिब्रेटिंग लाइफ विद माय चड्डी बड्डीज। हाँ वो क्या है कि थोड़ा ट्रैवलर टाइप का है, ही इज एडवेंचरस। एडवेंचरस मायू, मैं बता रही हूँ, एकदम बंदरों वाले शौक है इसके। कभी इमारत से कूद जाएगा, कभी पहाड़ से छलांग लगा देगा। कुछ दिन पहले तो इसने बहुत ऊंचे ब्रिज से कूद गया, इतना एडवेंचर। ये सब आपको उसके टम्बलर से पता चला? नहीं, वो स्नैपचैट पे इसने वीडियो डाले। बेटा उसका अपना घर है, समझे, खाता कमाता बढ़िया। इसमें क्या बड़ी बात है, खाता कमाता तो अपना पप्पू भी। पप्पू? पप्पू? अरे अपना कारपेंटर। अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये फेसबुक, फेसबुक खोले, ये लड़के का तुम देखो ये पेज, ये अपने सारे दोस्तों के घर डिजाइन करता है, मतलब इंटीरियर उसके डिजाइन करता है, तो इंटीरियर डिजाइनर है, तो एक तरह का कारपेंटर ही हुआ ना ये। बेटा वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव, ये शेर जैसा तो कुत्ता पाला है इसने। मैंने उसके वो व्हाट्सएप की डीपी मैंने देखी थी, उस पर देखी है वो कुत्ता। एट्स वेट्स, कितना झंझट है बेटा। मैंने अपने जानने वालों से पता करवाया इसका, समझे, सब बहुत तारीफ करते हैं, बहुत पॉपुलर है सब में। हाँ ये बात सही कह रहे हैं पापा, पॉपुलर तो बहुत है, मतलब 1500 फॉलोअर हैं वो ट्विटर पे उसके, है ना। और वो क्या है, वो श्रृंगार करूंगी तेरा सीरियल आता है ना, उसकी एक्ट्रेस है, क्या नाम उसका, पार्वती, वो भी उसको ट्विटर पे फॉलो करती है। मेरी बात मानिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये लड़का मायू के लिए ठीक है। मेरा मतलब है कि छलांगे लगा रहा है, कभी फ्रीलांस काम कर रहा है, कोई पता ठिकाना नहीं है, न्यूयॉर्क चले गए, कभी कहीं चले गए, अब शेर जैसे कुत्ते पाल रखे हैं। आई डोंट, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं। वैसे माँ एक बार मिलने में क्या हर्ज है? हाँ तुम्हें लगता है तो मिल लो, कोई हर्ज तो है ना। ये टूरिज्म में काम करता है और इसका कॉर्पोरेट जॉब है। पॉपुलर, ये ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा, मयूरी को भी ट्रैवलिंग पसंद है।
लव्स फोटोग्राफी बोरिंग है थोड़ा सा. लव्स एडवेंचर ये तो स्पोर्ट्स करता ही नहीं. मुझे लगता है ये एडवेंचर वाला लड़का ठीक रहेगा. लेकिन एक बात बताइए, ये सब करना जरूरी है? मेरा मतलब है हम दोनों सोच समझ के एक अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं ना उसके लिए. ये जरूरी नहीं कि हम क्या सोचते हैं, जरूरी ये है कि मयूरी क्या चाहती है. आपका हो गया? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन. और आप कमेंट भी कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स. एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू शॉर्टकट्स. हैप्पी वुमेन्स डे.